नमस्कार, मैं लीना और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। कुछ बड़ी खबरें देखने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अब खबरें विस्तार से। नागपुर में मनपा की और अतिक्रमिक धार्मिक स्थल हटाने का अभियान नागपुर में शुरू है। नागपुर सुधार प्रन्यास के कार्य क्षेत्र के शासनिक और बिना शासनिक जगहों का भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे, ऐसी घोषणा मनपा के सभा में की गई है। व्यापार की कोई सीमा नहीं होती, ये बताने वाली एक घटना उपराजधानी में हुई है, जहाँ आर्थिक परेशानी से त्रस्त परिवार अपना उदर निर्वाह करने के लिए भारी जब्त जहद करते हैं, पर कुछ महिलाओं को अच्छी रकम और महंगी दवाइयों का लालच देकर महिलाओं को सरोगेट माँ बनाने का धंधा नागपुर में चल रहा है। ऐसी जानकारी देते हुए नागपुर के अधीक्षक ने जनता से सावधान रहने की मांग की है। लेडीज आले होते, त्यांची कंप्लेंट होती की त्यांनी जे आहे दोन हस्बंड वाइफ त्यांना भेटले होते मुजडा म्हणून, तर त्यांनी त्यांना जे आहे सरोगसीसाठी परावृत्त केलं आणि त्यांना जे आहे ते सरोगसी करण्यासाठी जे आहे वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले आणि त्यांच्याशी जे कमिटमेंट केली होती तर ते आपल्या त्यांची काय फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स होती त्यामुळे ते कमिटमेंट्स त्यांनी सरोगसी करवली, पण नंतर आता मागचे जे आहे 7-8 महिने झाले त्यांना जे त्यांची जी काय फायनान्शियल कमिटमेंट होती ते त्यांनी काही पूर्ण केली नाही आणि आता जे आहे ते त्यांना इकडे तिकडे म्हणजे वेळ काढून फिरवत आहेत। नागपूर जिला के मौदा तहसील में शिवसेना के सांसद कृपाल तुमा ने इनकी ओर से ग्रामीण रोजगार अढ़ावा बैठक का आयोजन किया गया था। इस सभा में शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा एनटीपीसी के अधिकारी के साथ हाथापाई की वारदात सामने आई। कृपाल तुमा ने खासदार रामटेक लोकसभा क्षेत्र सभी शिवसेना के पदाधिकारी व एनटीपीसी से पदाधिकारी मीटिंग मध्ये चर्चा सुरू असताना खासदार साहेबांनी ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांना ग्रामीण रोजगार या विषयावर विचारपूस केली असता चर्चा केली, त्यावर फिर्यादी राजकुमार प्रजापती मॅनेजर एनटीपीसी मौदा यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही, त्यांना संतुष्ट कारण वाटले नसल्याने खासदार साहेबांनी फिर्यादीला बाहेर जाण्यास सांगितले। तसेच फिर्यादी ऑफिसच्या बाहेर आले असता आरोपी देवेंद्र गोडबोले व आरोपी जितेंद्र गोरले यांनी त्यांच्या गालावर थप्पड मारून हातापाई करून मारपीट केली व सरकारी कामात अडथळा केला अशा फिर्यादीच्या तोंडी रिपोर्टवरून गुन्हा कलम 441 अपडे 18 कलम 353 332 कामा 34 भादवी यांनी गुन्हा दाखल करून गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। आरोपीची शोध कामी तपासपत्र रवाना करण्यात आरोपीचा शोध घेणे बाकी आहे। खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।